नजीबुल मुसलसा मैं नई सरकारी इकरामों दीवान पूरा विजय मुन्ना जी पुत्रा लोरा जी राजेंद्र मेहता जी अल्ताफ वाला जी शकील जी अंसार जी हसन जी हसमुद्दीन जी मास्टर वसीम अंसारी नूर मोहम्मद शाह अंसारी मदाफल अंसारी नरेश सोहरा मरीजर मुन्ना कारू मुन्ना जमीन अंसारी से विनाश से जो परिवर्तन है जो बदलाव है देश में जो शासन चला रहे थे राज में शासन किया ये एक संघर्ष का जीत है और ये तमाम कार्यकर्ता जो दूसरे पार्टी में भी थे उनका दम घुट रहा था कहीं ना कहीं भाजपा के नीति कार्यक्रम के चलते वो आज कांग्रेस के साथ जुट रहे हैं गठबंधन के साथ जुट रहे हैं। मेरा मानना है कि ये जो जीत है ये सिर्फ दो पार्टियों के आपस के टिकट तीन पार्टियों के बंटवारे का जीत नहीं है। ये तीन साल चार साल से जो संघर्ष हुआ झारखंड में चाहे वो सीएनटी एसपीटी एक्ट के खिलाफ हुआ चाहे भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ हुआ चाहे बड़का गांव में गोलीकांड के खिलाफ गोला में गोलीकांड के खिलाफ खूंटी में गोलीकांड के खिलाफ गोड्डा में जो आंदोलन हुए जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो एकजुटता हुई और उसमें सभी गैर भाजपाई राजनीतिक दलों ने भूमिका निभाई उससे एक मानस बना। मैं आपको कहना चाहता हूं जो सबसे बड़ी बात है कि इस जीत के पीछे इस राज्य के विभिन्न सामाजिक संगठनों हजारों सामाजिक संगठनों ने रघुवर राज से इस राज को मुक्त कराने के लिए संकल्प लिया था उन्होंने पूरा किया आज उसी का स्वरूप आप देखने को आपको मिल रहा है। यह हमारे पूर्वजों का घर था हम जो है ना कुछ पल आज सुख में जाकर राजनीति किए वहाँ राजनीति करने के बाद जो है फिर पुरखों का घर पे वापस हुए इनका विचारधाराओं के साथ राजनीति करने का एक मन बनाया चूँकि जनता के साथ रहना है तो जनता के फायदे के लिए हमें कुछ राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना है हमको लंबी राजनीति करना है इसलिए। क्या आपको आसू में रह के अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे लंबे समय से आसू में थे सुदेश महतो के करीबी माने जाते थे आप? नहीं ऐसा कोई अपेक्षित महसूस नहीं किए बट हमको लगा कि हमको इससे बेहतर कांग्रेस में राजनीति करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा और इसीलिए हम कांग्रेस में अपना आगे की रणनीति क्या होगी कांग्रेस से मिलकर किस तरह से आपकी रणनीति कांग्रेस में एक कार्यकर्ता के रूप में जो है जमीनी स्तर से हम काम करेंगे ताकि हमारे जो बीच जनता है जनता के लिए हम एक अच्छा उम्मीद रखता है हम पर उसका भरोसे पर खरा उतरेंगे हम।